नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकुल प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारी हिंदी ऑटो यूट्यूब चैनल गाड़ी मोटर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सोन अपडेट या टाटा नेक्सोन फेसलिफ्ट 2020 कह लीजिए या टाटा नेक्सोन अपडेट 2020 के बारे में। तो टाटा नेक्सोन में अपडेट कौन कौन से होने वाले जो 2020 में टाटा नेक्सोन आने वाली है अपडेट के साथ, तो इसमें कौन कौन से अपडेट होने वाले आज सब इस वीडियो में। लेकिन पहले बता दूं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो अब दोस्तों बिना समय बर्बाद किए दोस्तों शुरू करते हैं आज का डिटेल वीडियो। ओके, अब बात करते हैं टाटा नेक्सोन में पहले अपडेट के बारे में। तो जो पुरानी जो टाटा नेक्सोन थी उसमें आता था एक 6.5 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो हार्मन डिजाइन किया था। तो अब वो थोड़ा लैगी लगता था और जो रिवर्स पार्किंग कैमरा उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए टाटा नेक्सोन में एक अपडेट के साथ एक नया इन्फोटेनमेंट 7 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा विथ हार्मन, यानी कि जो स्पीकर जो होंगे वो हार्मन के ही रहेंगे, लेकिन एक ऑल न्यू 7 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आपको टाटा नेक्सोन में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं टाटा नेक्सोन में सेकंड अपडेट के बारे में। तो टाटा नेक्सोन में जो सेकंड अपडेट है वो है थोड़ा स्टेरिंग व्हील का। टाटा एल्टोज में आपको पता होगा कि जो जेनेवा मोटर शो हुआ था 2019 में जो जेनेवा मोटर शो हुआ था तो उसमें जो टाटा एल्टोज शोकेस की गई थी, तो टाटा एल्टोज में जो स्टेरिंग व्हील आपको देखने को मिला था जो फ्लैट बॉटम 3-स्पोक स्टेरिंग व्हील जो था, वैसे का वैसा सेम स्टेरिंग व्हील आपको टाटा नेक्सोन में अब देखने को मिलेगा। और एक चीज यहाँ पर एक ऐड कर दूं कि जो टाटा नेक्सोन में जो टाटा नेक्सोन अभी आती है तो उसमें आपको एक फीचर्स नहीं मिल रहा था जो क्रूज कंट्रोल, तो अब क्रूज कंट्रोल भी टाटा नेक्सोन में अपडेट के साथ वो फीचर्स भी ऐड कर दिया जाएगा। तो टाटा नेक्सोन में अब क्रूज कंट्रोल भी आपको देखने को मिलेगा। जो थर्ड नंबर का अपडेट है वो सबको पता है कि टाटा नेक्सोन अब आएगी BS6 नॉर्म्स जो आधारित इंजन होने वाले, यानी कि अब टाटा नेक्सोन में जो पेट्रोल आता है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन, तो ये दोनों इंजन आपको BS6 मिलेंगे, यानी BS6 रेडी मिलेंगे। तो अब इसमें जो अभी तक तो BS4 आते हैं, लेकिन अब टाटा नेक्सोन अपडेट के साथ BS6 इंजन पेट्रोल या डीजल दोनों के दोनों इंजन आपको BS6 रेडी मिलेंगे। अब बात कर देते हैं टाटा नेक्सोन में फोर्थ अपडेट की। तो जो चौथा अपडेट है वो टाटा नेक्सोन में सबको पता है, ये भी सबको पता है कि टाटा नेक्सोन अभी तक जो आ रही है वो इम्पैक्ट 1.0 डिजाइन फिलोसॉफी पे बेस्ड है, लेकिन अब टाटा मोटर्स ने ओमेगा और अल्फा जो प्लेटफॉर्म है ये इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन फिलोसॉफी पे वर्क करता है, तो इसलिए अब टाटा नेक्सोन इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन फिलोसॉफी पे बेस्ड रहेगी। तो इसलिए जो टाटा नेक्सोन का जो फ्रंट है यानी कि जो एक्सटीरियर है वो आपको जो टाटा हैरियर में जो हेडलैम्प दिखते हैं जो इन हेडलैम्प दिखते हैं जो डे टाइम रनिंग LEDs है और फॉग लैम्प का जो शेप है वैसे का वैसा आपको टाटा नेक्सोन में भी देखने को मिलेगा। तो टाटा नेक्सोन अब होने वाले इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन फिलोसॉफी पे जो अब टाटा नेक्सोन अपडेट के साथ वो चेंज कर दिया जाने वाला है। यही थे पॉइंट टाटा नेक्सोन के अपडेट के बारे में। और यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि टाटा नेक्सोन लॉन्च कब होने वाली है। तो मैं बात कर दूं टाटा नेक्सोन लॉन्च कब होने वाली है, तो 1 अप्रैल 2020 को लागू होने वाले हैं BS6 नॉर्म्स। तो उसके जो फर्स्ट थ्री मंथ है 2020 के, इन तीनों महीने में टाटा नेक्सोन लॉन्च हो सकती है अपडेट के साथ। तो यही थी इन्फॉर्मेशन टाटा नेक्सोन अपडेट के बारे में। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फिर से बोला हो तो सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाना न भूलिए, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय। ओके।